सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा 21 फरवरी 2020 फ्राइडे से, जो कि पहला टेस्ट मैच होने वाला है काफी रोमांचक और काफी टक्कर का मुकाबला, जो कि ये दो टेस्ट मैचों की सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इस वजह से दोनों टीमों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यह टेस्ट सीरीज। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की सटीक प्लेइंग 11 के बारे में, कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलेंगे पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और आपको बताने वाले हैं कि यह मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा, जो कि इस मैच की मैच प्रीव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैंस, क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर, तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 21 फरवरी 2020 फ्राइडे से खेला जाएगा और यह मैच वेलिंगटन के बसनी दरवी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि यह मैच सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 4 AM से खेला जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर टीम इंडिया के बारे में, तो गाइस भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर आ रही है कि टीम इंडिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, जहां पर इससे पहले अनफिट थे, लेकिन उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और वो दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो गाइस न्यूजीलैंड की टीम में कई सारी चेंजेस हुई है टेस्ट सीरीज के लिए, जहां पर टीम में ट्रेंट बोल्ट की वापसी हो चुकी है, जो कि ट्रेंट बोल्ट के आने से कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप काफी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि दूसरी छोर से नील वेगनर भी होंगे, जो कि काफी शानदार गेंदबाज हैं। इसके अलावा फर्ग्यूसन को टीम में शामिल नहीं किया गया है, जो कि अभी तक फिट नहीं हो पाए हैं। तो इसके अलावा टीम में मिचेल सेटनर को बाहर कर दिया गया, इन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, इनकी जगह पर टीम में एजाज पटेल को शामिल किया गया है। तो गाइस, अब बिना देरी के वे चलिए बात करते हैं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में पहले टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे टीम इंडिया के बेहतरीन यंग ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल, जबकि नंबर 2 पर होंगे पृथ्वी शाह, जो कि ये भी काफी यंग है, जो कि दोनों ही बल्लेबाज करने वाले हैं ओपनिंग के बल्लेबाज पहले टेस्ट मैच में। नंबर 3 पर होंगे टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज जितेंद्र पुजारा, जो कि ये करेंगे वन डाउन की बैटिंग। नंबर 4 पर होंगे भारतीय कप्तान विराट कोहली। अगर बात की जाए नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर होंगे उप कप्तान अजिंक्य रहाणे। वहीं उसके बाद नंबर 6 पर होंगे वृद्धिमान साहा विकेट कीपर बैट्समैन। अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो गाइस नंबर 7 पर हनुमा विहारी या फिर रविंद्र जडेजा, जो कि इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा पहले टेस्ट मैच में। अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर होंगे रविचंद्र अश्विन, बेहतरीन स्पिनर। अगर हम बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर होंगे टीम इंडिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जबकि नंबर 10 पर होंगे जसप्रीत बुमराह। वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे उमेश यादव। तो गाइस, यदि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले टेस्ट मैच के लिए, जो कि पहले टेस्ट मैच में ईशांत शर्मा के खेलने के चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से उनकी जगह पर उमेश यादव को खिलाया जा सकता है। दोस्तों, ये टीम इंडिया की संभावित यानी कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 है और लगभग 100% यही प्लेइंग 11 होने वाली है टीम इंडिया की। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी पहला टेस्ट मैच, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड की टीम? कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।